हे गाइस, जीव एक्सट्री ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। और आज मैं बताने जा रहा हूं आपको iOS का डिजाइन टेम्पलेट के बारे में, जिसमें आपको करीब 24 कैटेगरीज बताने वाला हूं और इसमें 180 स्क्रीन्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने मटेरियल डिजाइन के बारे में बताया था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बुक्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि अगर आपको बुक्स का डिजाइन बनाना है तो उससे रिलेटेड आपको 20 स्क्रीन्स मैं आपको दिखा रहा हूं। तो दोस्तों, आपको मैं एक बात बता देता हूं कि यदि हमारे चैनल को आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके फ्यूचर के लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज मैं पब्लिश करने वाला हूं और बहुत सारे किया भी हूं, लेकिन अब जो भी वीडियो पब्लिश करूंगा वो उसकी क्वालिटी पहले से बेटर होगा। और मैं ये आपसे बताता हूं कि यदि कोई हमारे वीडियोज में फीडबैक है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट में टाइप करेंगे, मैं उसे इम्प्रूव करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज को लाइक और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगर वो UI/UX से रिलेटेड या UX रिसर्चर से या वायर फ्रेमिंग या UX प्रोसेस, UX टूल्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ ये लिंक जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ बताने का फ्री, नो चार्जेज, कोई भी चार्ज नहीं होगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप प्रोवाइड मुझे फीडबैक कमेंट बॉक्स में आप टाइप करेंगे। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं जॉब से रिलेटेड एक, जहाँ पे आप यूट्यूब की वीडियोज देख रहे हैं वहाँ पे कवर पेज के जो साइड में जो गूगल ड्राइव का लिंक है उस पर मैं अपना शेयर करते रहता हूँ। जहाँ naukri.com से रिलेटेड या कहीं से भी जॉब की वैकेंसी होती है तो वहाँ पे मैं एक गूगल ड्राइव का डॉक्यूमेंट फाइल है, वहाँ पे फ्री आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कहाँ पे वैकेंसीज हैं और कौन सी कंपनी में है और क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो वहाँ पे मैं अपडेट करते रहता हूँ। और अगर आप मोबाइल पे हमारे वीडियोज को यूज करते होंगे तो आप उसके अबाउट जो होम और प्लेलिस्ट और लास्ट में अबाउट है, अबाउट में जाकर के नीचे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे हमने एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया, उस पर आपको टैब करके और वो लिंक को देख सकते हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लिंक भी मैं ऐड करूँगा जो वेबसाइट से आप आर्टिकल पढ़ करके अपना करियर को ग्रो कर सकते हैं। यदि अभी आप UI/UX डिजाइनर हैं तो आप वहाँ पे उस लिंक को रीड करके और भी करियर ग्रो कर सकते हैं इस फील्ड में। और यदि आप फ्रेशर हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोज को आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, सभी वीडियोज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये बुक्स का है डिजाइन, और बुक्स में ऑल बुक्स से रिलेटेड यहाँ आप डिजाइन देख रहे हैं। लिस्ट व्यू यहाँ पे है, ये जो टैब बार आपको ये जो दिख रहा है ये टैब बार है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियोज में गाइडलाइन में बताया है, वो अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे टैब बार की हाइट जो होती हैं वो 100 पिक्सल के आसपास, 50 पिक्सल के आसपास होती हैं। और यहाँ पे लेबल लगा हुआ है इसलिए ये टैब बार, अगर लेबल नहीं होता इसके नीचे तो ये टूल बार कहलाता। अब ये कंप्लीट प्रोफाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल का लुक है, बैक है, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और फॉलोअर्स, ये अदर प्रोफाइल है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से आप डिजाइन देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा, लेकिन आपको डिजाइन का लुक दिखा देता हूं कि कितना अच्छा डिजाइन है, नीट एंड क्लीन डिजाइन है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, ये बुक के कैटेगरीज का मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन्स, और इसको मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोज में स्टेप बाय स्टेप, सेक्शन बाय सेक्शन बताने का कि ऐसा क्यों यूज किया जाता है डिजाइन में। और आपको अगर कोई कमेंट है तो जरूर टाइप करेंगे दोस्तों, मैं आपके कमेंट के लिए वेट करूंगा। कोई फीडबैक होगा तो आप बताएंगे, मैं आपको बिल्कुल फ्री हेल्प करने वाला हूं। और ये आपको एजुकेशन से रिलेटेड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह के कैटेगरीज आपको
आर्टिकल पढ़ना है। जैसे कि आप मीडियम वगैरह पढ़ते होंगे तो इस तरह से आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करते होंगे, उससे रिलेटेड है, यहाँ मेल से रिलेटेड है। तो मैं थोड़ा सा स्पीड में इस पे बताने का कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमें ऑफिस भी जाना है दोस्तों। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारे के सारे डिटेल में बताने का कोशिश करूँगा, लेकिन अभी मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। और इस तरह का डिज़ाइन आप बनाने का कोशिश करें, और हमें गूगल ड्राइव में एक लिंक दूंगा, वहाँ से आप अपने या ईमेल आईडी दूंगा, उस ईमेल आईडी पे अपना ये टास्क कंप्लीट करके अगर आप फ्रेशर हैं तो इस डिज़ाइन को बना करके आप सेंड करेंगे। 2 स्क्रीन 3 स्क्रीन जो भी अच्छा लगता है मैं आपको उस पर फीडबैक देने का कोशिश करूँगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और सभी जितने भी होंगे ईवाई लेआउट का जो गाइडलाइन है, पहले गाइडलाइन वाली आप वीडियोज देख लेंगे, उसके बाद ही डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो आपका डिजाइन एकदम कंसिस्टेंसी होगा और बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन होगा, और एक ब्रांडेड टाइप का आपको स्क्रीन्स दिखेंगे। तो ये डिजाइन आपको, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कीबोर्ड यूज किया हुआ है इस तरह का। यहाँ पे आपको फूड एंड ड्रिंक का मैं आपको सेक्शन दिखा रहा हूँ। तो फूड एंड ड्रिंक आपका यहाँ पे किस तरह से फूड एंड ड्रिंक में ईवाई कौन कौन से यूज किया जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे रेसिपी दिखाया गया है, और ये पूरे का पूरे मैं डिटेल में आपको समझाने का कोशिश करूँगा दोस्तों। श्योर आपको मैं ये प्रोमिस करता हूँ कि ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने का कोशिश करूँगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप उसके कमेंट बॉक्स में आप टाइप करेंगे, मैं आपको बताने का और सॉल्यूशन रिजॉल्व करने का कोशिश करूँगा। हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में आप देखिए, अगर देता हूं कि आप हर तरह के एप्लीकेशन का कैटेगरीज बनाइए, म्यूजिक से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, न्यूज से रिलेटेड, हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड, मूवी से रिलेटेड, हर तरह के एप्लीकेशन बनाने से आपका ईवेक्स और भी स्ट्रांग होगा। तो इस तरह का आप थीम देख सकते हैं, कलर कुछ आईओएस पैटर्न का जो गाइडलाइन में बताया हूँ वो कलर लेकर के आप क्रिएट कीजिएगा। मैं ऐसे बता देता हूँ कि आईओएस का अगर डिजाइन बनाते हैं तो ये कलर जो होता है, ये जो ब्लू कलर, ये बहुत ही यूजफुल होता है, और ये कलर आप ग्रेज पे जरूर यूज कीजिएगा। और जो भी थीम होता है, आप ग्रे आउट और वाइट कलर के अगर आप थीम लेते हैं तो बहुत ही डिजाइन शार्प होगा, जो कि नीचे आपको पैटर्न है। आप ईवाई चेंज कर सकते हैं, लेकिन कलर कम्बिनेशन इसी तरह का आपको रखना है, तो डिजाइन बहुत ही ब्रांडेड लगेगा दोस्तों। तो आपको और भी स्क्रीन्स मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पे म्यूजिक से रिलेटेड आप देख रहे हैं, म्यूजिक से रिलेटेड अगर आप देख रहे हैं तो ये म्यूजिक अगर आप लाइक करते होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे कैसे यहाँ पे डिजाइन बनाया हुआ है, और बहुत ही शार्प डिजाइन है दोस्तों। आप बनाने का कोशिश करें, आपके टास्क को मैं रिव्यू करूँगा और हमारे ईमेल आईडी पे आप सेंड करेंगे, मैं आप पे आपको मैं उस पे फीडबैक दूंगा। और दोस्तों मैं आपको हैंगआउट या जो स्काइप है उस पर कॉल लेने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। पे रहूंगा और वहां पे अपना सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का डिजाइन, यहाँ पे आप ओला कैब वगैरह अगर आप डिजाइन देखे होंगे तो ये न्यूज से रिलेटेड है। आप देखे होंगे कि न्यूज में कैसे कैसे आर्टिकल होते हैं, कितने फॉलोअर्स होते हैं, कौन कौन से ऑथर हैं इनके, उनके टैग लाइन किस तरह का है, यहाँ ट्रैवल है क्या है, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल्स बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा दोस्तों। यहाँ देखिए आपको फोटो से रिलेटेड आप गैलरी अगर आपको कमेंट बॉक्स एक्टिविटीज, ये सारे के सारे चीज़ें आपको मैं बताऊंगा एकदम, जितना भी होगा मैं कोशिश करूंगा। इंस्टीट्यूट में कहीं भी जाएंगे आपको टूल बताया जाएगा, और ये पूरे ईवेक्स का ईवाई का प्रोसेस नहीं बताया जाता है, रिसर्च के बारे में बताऊंगा, यूजर
पर्सनाज के बारे में बताऊंगा, यूजर इंटरव्यूज के बारे में बताऊंगा कि यूजर का इंटरव्यूज कैसे करते हैं, कैसे यूजर को पहचानते हैं, यूजर हमारे प्रोडक्ट में हमेशा इंगेज रहें, तो उनके इंगेजमेंट को रखने के लिए हमें क्या क्या कस्टमर को प्रोवाइड करना होता है, ये सारे के सारे चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। हमारे वीडियो जो आपको हेल्प करेंगे और इस तरह से आपके करियर को कहीं ना कहीं आपको जो स्टक किए हुए हैं वहाँ पे आपको सफलता अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे। और बहुत मेजरमेंटोग्राफ पे ध्यान देना है, फॉन्ट साइज, कलर कॉम्बिनेशंस, ये सारे के सारे चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड देख सकते हैं, अगर आपको ट्रैवलिंग करना है जैसे ट्रैवल हैं वहाँ पे आप ट्रैवल ट्रिंगल है, इस तरह का बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो उसके लिए एप्लीकेशन कैसे बनाना है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आपको एप्लीकेशन बनाने के लिए सभी कैटेगरीज से एक एक एप्लीकेशन बनाएं, आपको परफेक्शन आएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस सॉल्यूशन को रिजॉल्व करने के लिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं आपको हेल्प करने का कोशिश करूंगा। और मैं उन दोस्तों के लिए खास करके बताना चाहता हूं जो स्टूडेंट हैं जिनके जॉब में कुछ किसी कारणवश नहीं लग पा रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल पे आ करके आप हमारे वीडियोज़ को देखें, मैं आपको जॉब को प्रीफर्ड भी करता हूं। और अभी मैं ईवेक्स प्रोसेस का लीड करता हूं, तो अगर कहीं पे वैकेंसीज होगा किसी तरह का तो आपको हेल्प करूंगा। और एक मैं जैसा कि पीसी से हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो कवर पेज के लास्ट में आप गूगल ड्राइव का एक आइकन है वहां पे आपको टैप करना है, कवर पे टॉप कॉर्नर के लेफ्ट में वहां पे आपको गूगल ड्राइव पे टैप करना है, वहां पे लिंक दिया हुआ है कि कहां कहां पे वैकेंसीज हैं और कौन कौन सी कंपनीज अच्छे हैं। और हमारे वीडियोज में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज मैं बना रहा हूँ कि इंटरव्यूज के बारे में कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, कौन कौन सी कंपनी है सॉफ्टवेयर की जहाँ पे हमें इंटरव्यू देने की ज़रूरत है। और कंपनी को जब भी आप अगर एक्सपीरियंस बंदे हैं तो थोड़ा सा रिव्यू करके जाएं, कोई भी सवाल अगर इंटरव्यू से रिलेटेड है तो आप बेहिचक हमारे ईमेल आईडी पे मेल करें, या अगर ज़्यादा इंटरेक्ट करना है तो मैं आपको ईमेल आईडी के साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी देने का कोशिश करूँगा जिस पे आप डिस्कस कर सकते हैं। और मैं एक डिजाइनर का एक कम्युनिटी सेंटर भी बनाने वाला हूँ जिसपे सभी डिजाइनर से एक बार कोलैबोरेट हो सकते हैं, उनका मैं ग्रुप बनाऊंगा व्हाट्सएप या मैसेंजर पे और वहाँ से अपना कमेंट आप टाइप कर सकते हैं। और बेनिफिट होगा और मैं उन दोस्तों को हेल्प करना चाह रहा हूँ जो अभी ग्रेजुएशन किए हुए हैं या मैट्रिक के बाद एंटर कर चुके हैं, तो उनके लिए एक बड़ा ही खुशखबरी है कि यदि आप इस सेक्टर में सॉफ्टवेयर से आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीटेक के बंदे होते हैं जिन्हें जॉब का प्रॉब्लम होता है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिनके कारण उन्हें जॉब नहीं लगता है, लेकिन इस फील्ड में आपको बीटेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ये डिजाइन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स।